आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। टाइगर साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज जो पत्रकार परिषद बुलाई गई है, क्या आपके मुद्दे हैं? किस मुद्दे पर ये पत्रकार परिषद बुलाया गया? शनिवार के दिन माननीय मंत्री महोदय रामदास जी आठौले आरपीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने पूना में एक मीटिंग बुलाई थी सभी लोगों की, मतलब आरपीए के लोगों की। बहुत बड़ी मीटिंग हुआ हुई, मैं भी वहाँ गया था, तो वहाँ पे बहुत सारे बातें हुआ, यानी कि सामाजिक स्तर पर बातें हुई। फिर बाद में आठौले साहब ने ऐसा बोला, हिंदुस्तान पूरा अपना भारत इंडिया अपन एक पूरा है, एक होते हुए अभी आने वाला नज़दीक इलेक्शन है, इलेक्शन को आंखों के सामने रखते हुए कुछ नेता लोग यहाँ पे दंगे भड़काने की बात कर रहे हैं, यानी छोटे छोटे बच्चे जेल जाएंगे कहने पे, ऐसा कुछ कर रहे हो। वो राज ठाकरे साहब, उन्होंने बोला है कि अगर तुम मस्जिद का भोंगा नहीं उतरोगे तो हम भी ईद के दिन 3 तारीख को हम मस्जिद के सामने आके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। सरासर अच्छी बात नहीं है, क्यों? अगर चालीसा पढ़ने अपने को तो मंदिर है, अपना हॉल है, अपना मोहल्ला है, अपने बच्चों को तुम शिक्षा दो हनुमान चालीसा क्या होता है, तो मस्जिद के सामने ही क्यों? उनका त्यौहार एक महीना उपवास करके वो लोग इतना अच्छा 30 दिन का उपवास छोड़ के वो लोग खुशियाँ मना रहे हो, तुम जाके वहाँ बोल रहे 3 तारीख को मैं वहाँ जिस सामने हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, ये अच्छी बात नहीं है। तो आठौले साहब बोला, अगर ऐसा होता है देश में, उन्होंने कार्यकर्ता को बोला है कि सब लोग जाके वहाँ पढ़ो, वहाँ पढ़ने आएंगे तो पुलिस आएगी, पुलिस आएगी तो लपड़ा होगा, लपड़ा ईद का उनका पूरा खराब त्यौहार होगा। वो हिसाब से अगर उनको बंद ही करना है तो उनके भाई मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे साहब, उनके पास जाके बैठो, नहीं ये तो कायदा कानून से अपना कोर्ट है, कोर्ट में याचिका दाखिल करो, वो कोर्ट देखे क्या करना है। वो मस्जिद मंदिर बुद्ध विहार और जो भी धर्मस्थल है वहाँ कोई छेड़ना नहीं चाहिए, सबका अपना अपना धर्म प्यार है अपने को है। अपन जब रोड पे आते हैं तो लोग समझते हैं धर्म नहीं, फिर तुम कुछ तो दंगा मस्ती कर रोड पे आए हो। अभी राज ठाकरे साहब ने चैलेंज किया है तो अपने जो जवान बच्चे है वो जोश में है, 3 तारीख कब आएगी, हम कब जाए वहाँ पे, वहाँ जाएंगे तो कंप्लीट होगा ये झगड़ा होगा ही, तो इसलिए हम लोग आरपीए वाले चुप नहीं बैठेंगे। अगर वो आते हैं मस्जिद सामने और नमाज पढ़ते रहेंगे, बहुत दंगा मस्ती करेंगे, तो हमारे भी आरपीए की टीम भिवंडी शहर में हर जगह, हम भी उनके संरक्षण के लिए झंडे खड़े होंगे उधर। आठौले साहब बोला झंडा लेके वहाँ खड़ा हो, झंडा नहीं करना है हमको, उनको रोकने के लिए, वो चैलेंज करने के लिए नहीं है। वो अगर अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो उनको संरक्षण कौन करेगा? तो हम भी उनके संरक्षण के लिए मस्जिद के बाहर हमारे कार्यकर्ता हर जगह खड़े, जहाँ मुस्लिम एरिया है वहाँ नहीं जाएंगे हम, जहाँ हिंदू मुस्लिम है वहाँ जाके हम खड़े रहेंगे कि तनाव मत करो। हम पुलिस को बोलेंगे भाई इनको तुम नोटिस दो, अगर तुम करना ही है तो सीधा कोर्ट में जाओ, कोर्ट सबके लिए खुला है। अभी नवनीत राणा जी ने जो कुछ कहा था अपने बंगले के अपना मातोश्री के बाहर बैठने की बात की थी, तो पूरा मस्ती में कोई लीडर का नुकसान नहीं होता है। जो कार्यकर्ता रोड पे आते हैं उन पे केस होता है, जेल जाते हैं, उनको छोड़ने कोई नहीं आता है, उनके भाई उनके दोस्त उनके माँ बाप वो दौड़ते हैं और वकील लगाते हैं खर्चा छुड़ाते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो पार्टी के खून भरा हुआ है वो जाता नहीं है। नेता क्या करेगा, जाके अगर बस रहेगा किसी पूरा अपने अटक साले बगा अपने अमर साले, अरे झालना उनका भविष्य क्या है? कुछ बच्चे पढ़े हुए लिखे हुए अगर नौकरी के लिए अपना अप्लाई करते हैं तो पॉलिटिशियन में उसका एक लेटर आता है बोले कि तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो, तुम्हारा से क्या केस लिख के आएगा, नौकरी लगी नहीं उसको। तो इसलिए मेरे को अपना जो मन से कार्यकर्ता हो या कोई भी हो उनको मेरा आह्वान है, आप भी अच्छे इंसान हो, ये सब मत करो, रोको। अब मांगना है तो आपको न्याय कोर्ट से ही मांगो, ऐसा मेरा आह्वान है। देखा जाए तो सरकार को क्या आह्वान करेंगे आप? उद्धव सरकार को बोला मैं अभी, तुम जो कर रहे हो, जो नवनीत राणा पे तुमने केस किया तो उनको भी करना चाहिए सेम केस, 153 करना चाहिए। देखा जाए तो आपकी साथी पार्टी भाजपा कहीं ना कहीं राज ठाकरे और उनके वक्तव्य का समर्थन कर रही है, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, हमारी जो युति होती है ना, युति इसलिए हमारी है, वोटिंग लो वोटिंग दो, तुम तो राजनीति देखो हम और देखेंगे। हम कोई युति इसलिए बनाए कि तुम लड़ो तुम्हारे हम कूदेंगे आके, हम लड़ेंगे हमारे तुम कूदो आके, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी के लिए हम काम करेंगे, तुम तो पार्टी काम करो, वो तुम्हारा मसला है। वो हमको जहाँ तक हमारे अध्यक्ष ने हमको आठौले साहब ने आदेश दिया है उस आदेश का पालन करने वाले हम। देखा जाए तो इस मुद्दे को लेकर ये भिवंडी में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और भी राजनीतिक पार्टियां है भिवंडी में, लेकिन ऐसा कोई अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है, समर्थन या फिर विरोध ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ है। आप इस पर पहले से जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्रतिक्रिया दे रहा हूं मैं सही दे रहा हूं, जो बोल रहा हूं मैं किसके दबाव में आके बोलता नहीं, कुछ नहीं। मैं तुमको हमेशा बोलता मीडिया वाले को, जो बोलता हूं मैं वो दिखाओ पूरा, जो कोई बोला मैं केस कंप्लेंट मेरी भी होगी, तुम क्या बोलोगे भाई हमको जो बोला हम दिखा है, फिर तुम को डरते हो, तुम काट छाट मत करो, जो बोला सब दिखाओ।
कोई बोलता ना वो तुम क्यों लगाया, बोलने का बोला हम लगाया तो भेज नोटिस को, कोर्ट नोटिस, हम उसको जवाब देंगे। ये संरक्षण की जवाबदारी भिवंडी में किसको दी गई आपके नेतृत्व में? मेरे मैं खुद मेरे कार्यकर्ता बोलूंगा, मीटिंग लूंगा, शाखा अध्यक्ष की बोलूंगा, भाई मेरे लगता है यहाँ तक नौबत नहीं आएगी, डीसीपी साहब सब बोला के और सब अरपा कर देने वाले, लेकिन हमको भी बोलना चाहिए, नहीं बोलेगा सामने वो तो उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। मुझे लगता है डीसीपी साहब सबको बोला के वह वार्निंग देंगे, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है।